हेलो, कैसे हो आप सब? मुझे कई प्रश्न आए हैं। विश्वनाथ जी, भोंगोले जी कहते हैं कि बीजेपी इज मेकिंग अ लॉट ऑफ फेक न्यूज एंड ऑलमोस्ट 95% ऑफ न्यूज चैनल्स आर सोल्ड टू बीजेपी। डोंट यू फाइंड इट डिफिकल्ट टू रीच द पब्लिक थ्रू फेसबुक? एक्चुअली आई डोंट फाइंड इट डिफिकल्ट एट ऑल टू रीच द पब्लिक थ्रू फेसबुक। आई थिंक फेसबुक इज अ वंडरफुल चैनल टू बी एबल टू कनेक्ट, to be able to talk about one's aspirations, one's desires, how one is trying to work for the people at the grassroots level, and also talk about national issues. And it's a wonderful channel through which one can understand also what people's questions are, desires are. And I think it also makes us much more accountable as public servants. और एक जिम्मेदारी भी हमारे ऊपर इस माध्यम के तौर पर आ जाती है। और मैं समझता हूं कि ऐसे कई विस्तृत चैनल्स भी होंगे जिसके आधार पर, केवल फेसबुक नहीं, लेकिन कई ऐसे चैनल जिसके आधार पर हम जनता के साथ सीधा सीधा संवाद कर पाए। इसके अलावा मैं देख रहा हूं, ऋषभ सिंह जी यादव हैज सेड व्हाट विल बी योर एजेंडा फॉर स्टूडेंट्स एंड यूथ। If we need to make India great, then the only way to make India great is to empower our youth, and students are a manifestation of our youth. Any student, any nation has only powered ahead when the youth are empowered. And I think for them, for youth, I think the most important things are not only education, not only health, but the ability to be able to provide job opportunities to our youth. And I think for that, I've had a long session 2 weeks ago on the whole issue of employment, and to be able to understand what is it that the market is looking for, and to be able to provide those skills in our youth so that we can connect them to the market. I think once the youth have a platform on which they can express their skills, they are very well endowed to be able to chart their own career. पर वो अवसरों का भंडार हमें अपने नौजवानों को अर्पित करना होगा। और वो मैं मानता हूं कि किसी भी सरकार या किसी भी पार्टी की जिम्मेदारी होती है, और कांग्रेस की भी यही एजेंडा है कि हम अपने नौजवानों को पूर्ण तरीके से प्रफुल्लित होने की एक संभावना, हम लोग एक ऐसा वातावरण तैनात करें। आकाश जागीरदार ने मुझे लिखा है कि भाजपा सरकार की किसान विरोधी नीतियों से किसान पहले से ही परेशान है, और अब भावांतर भुगतान योजना किसानों के लिए वरदान नहीं, अभिशाप बनी हुई है। फसलों की सही दाम नहीं मिल रहे हैं, किसान पुत्र मुख्यमंत्री कब नींद से जागेंगे? यही प्रश्न मैं मानता हूं कि हम सब मध्य प्रदेश में पूछ रहे हैं। आज किसान त्रस्त है, परस्त है, और सबसे शोषित हो चुका है, दुखी हो चुका है। किसान आज आत्महत्या करने पर अपने आप को पा रहा है। हर दिन मध्य प्रदेश के किसी या किसी कोने में 3 या 4 हमारे अन्नदाता आत्महत्या करते हैं। अगर ये कलंक की बात नहीं है तो क्या है हमारे मध्य प्रदेश में? आज वर्तमान में दोनों तरफ से किसान का गला घोटा जा रहा है। एक तरफ लागत में फूर्ती आ चुकी है, दूसरी तरफ चाहे ट्रैक्टर हो, डीजल हो, खाद हो, बीज हो, हर चीज महंगी हो चुकी है, और दूसरी तरफ जो समर्थन मूल्य का दाम है वो घटता ही जा रहा है। और ये अजीब विडंबना आप देखिए कि जहां एक तरफ किसान अपने उत्पादन को सड़क पर फेंक रहा है, चाहे वो प्याज था, चाहे वो टमाटर है, सड़क पर फेंका जा रहा था, और उसे 50 पैसे का दाम भी उस प्याज के लिए, टमाटर के लिए मिल नहीं पा रहा था, और उसी समय जब 8 रुपए का दाम निर्धारित किया गया, आज प्याज का दाम 60 रुपए तक पहुंच चुका है। ये पैसा कौन बना रहा है? ये पैसा किसान के झोली में नहीं जा रहा, किसान के पॉकेट में नहीं जा रहा, लेकिन व्यापारियों के पॉकेट में जा रहा है, और भ्रष्टों के पॉकेट में जा रहा है, जो
मंडी में भ्रष्टाचार कर रहे हैं या कोई कहीं और कर रहे हैं। तो ये दुखद स्थिति जो किसान के लिए आज बन चुकी है, और ये भावांतर योजना, भावांतर योजना के तहत कोई राशि किसान को नहीं मिल रही। भावांतर योजना तो मैं मानूंगा तब जब अगर 60 रुपए में प्याज बिक रहा है आज, तो जो बाकी 55 रुपए हैं, जो किसान जिसको जिसका लाभ किसान को नहीं मिला है, वो 55 रुपए अगर किसान के पॉकेट में पहुंचे, तब मैं ये भावांतर योजना में मानूंगा। सोयाबीन की फसल जो 1800 रुपए में बेची जा रही है, जो समर्थन मूल 4-5 हजार रुपए होता था कांग्रेस के जमाने में, अगर इन दोनों के दरमियान जो 3,500 रुपए है वो अगर किसान के पॉकेट में जाएगा, तब मैं मानूंगा कि भावांतर योजना है। उर्दा की बात करें जो 1800 रुपए पे आज बिक रही, जो कांग्रेस के जमाने में 10,000 रुपए पर बिकती थी, अगर 8,000 का जो फासला है अगर वो किसान के पॉकेट में पहुंचेगा, तब मैं मानूंगा कि ये भावांतर योजना का लाभ किसान को मिल रहा है। तो ये तो स्कीम नहीं है, सबसे बड़ा स्कैम है बीजेपी सरकार का। प्रशांत गौर जी ने मुझे लिखा है कि सिंधिया सर, अब की बार कांग्रेस सरकार यानी 2018 में मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनती है, तो आप किसानों और युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? प्रशांत, इसके बारे में मैंने उल्लेख पिछले 3-4 मिनट में किया है। नौजवानों के लिए साफ साफ योजना होगी कि उनको जो अस्त्र शस्त्र की जरूरत है 21वीं भारतवर्ष में प्रतिस्पर्धा में आगे बढ़ने के लिए, उस अस्त्र शस्त्र को हम मुहैया कर पाए नौजवानों के लिए। उनको दुनिया के साथ हम जोड़ें सूचना प्रौद्योगिकी के आधार पर, उनको रोजगार के अवसर प्रदान कर पाए। मध्य प्रदेश में रोजगार स्थित निवेश लाते हुए, निवेश अपने आप में काफी नहीं है जब तक वो रोजगार उत्पन्न न कर पाए। और जहां तक किसानों के लिए बात है, उनके लिए एक ऐसा वातावरण हम लोग तैनात करें कि उनकी लागत न बढ़े उत्पादन की, और समर्थन मूल्य बढ़ पाए ताकि किसान मुनाफा बना पाए। और जब किसान मुनाफा बनाता है तो देश में डिमांड बढ़ता है। उदाहरण के तौर पे मैं आपको कहना चाहूंगा कि 2008-09 में जब आर्थिक मंदी पूरे विश्व में आई थी, अगर भारत को किसी चीज ने बचाया तो ग्रामीण अंचल में आमदनी के आधार पर भारत बची थी। उस साल भारत का GDP करीब 8.5-9% से बड़ा था, और उसके पीछे मुख्य कारण यह है यूपीए सरकार की समर्थन मूल में जो वृद्धि हम लोग ने लाई थी, जिसके आधार पर राशि किसान के पॉकेट में गई, जिस राशि के आधार पर किसान फिर अपने घर में, चाहे वो व्हाइट गुड्स हो, ट्रैक्टर हो, टीवी हो, अनेक चीजें वो खरीद पाया, उसी के आधार पर देश की आर्थिक रीढ़ की हड्डी मजबूत हो पाई थी। तो वो वातावरण हम लोगों को तय करना पड़ेगा। अजय गर्ग ने लिखा है, व्हाट इज द प्रोजेक्ट ऑफ ग्वालियर शोपुर्स प्रोजेक्ट? मैं समझ नहीं पाया अजय आपका प्रश्न, पर शायद आपका प्रश्न ग्वालियर श्योपुर रेल लाइन के बारे में हो। उसकी नींव हमने रखी थी, मेरे पूज्य पिताजी का सपना था, आधारशिला भी हमने रखी थी, उसका भूमि पूजन हमने किया था, और मैं हर वर्ष हर संसद के सत्र में बीजेपी की सरकार के पीछे पड़ा हूं ताकि उक्त राशि वो इस योजना को दे पाए, ताकि तीव्र गति से ये योजना संपन्न हो पाए। वर्तमान में मैं सफलतापूर्वक, हम लोग करीब 300-400 करोड़ रुपए इस वर्ष के लिए आवंटित हुई है लैंड एक्विजिशन के लिए, ताकि वो पटरी जिस जमीन पर बसेगी उसकी जमीन का एक्विजिशन हो पाए। और हर सत्र में मैं इसके पीछे पड़ा हूं ताकि आपका सपना, मेरा सपना, मेरे पूज्य पिताजी का सपना, हम लोग उसे साकार कर पाए। मनोज कुमार जी ने लिखा है, बिलाला जी ने, कि संविदा कर्मचारियों पर आपका क्या रुख है सर? जहां तक संविदा कर्मचारी हैं, इस विषय पर हमें सेक्टर बाय सेक्टर देखना पड़ेगा। मैं जरूर मानता हूं कि अति महत्वपूर्ण क्षेत्र जैसे कि स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, जहां वैसे भी मध्य प्रदेश में हमारी भारी भरकम कमी है,
इन क्षेत्रों में लोगों को प्रोत्साहन देना, और केवल प्रोत्साहन नहीं, लेकिन प्रोत्साहन का एक ही सिक्के के दो पहलू होते हैं। प्रोत्साहन का दूसरा ही पहलू है कि जवाबदेही भी उस प्रोत्साहन के आधार पर होगा। तो जो शिक्षकों की मांग है, स्वास्थ्य की सेवा कर्मियों की मांग है, उस पर पूर्ण गंभीरता से हम लोग विचार करें, उनकी मदद हम लोग कर पाए, और उसके आधार पर ये भी हम आशा करें कि उनकी जवाबदेही भी बढ़ेगी, ज्यादा अच्छा वो सेवा कर पाएंगे। और मानव संसाधन अगर हमारे प्रदेश में हम लोग उनको मान सम्मान नहीं देंगे तो मध्य प्रदेश प्रगति नहीं कर पाएगा। आज हम लोग कहानियां सुन रहे हैं जहां अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, अस्पतालों में ताले लगे हैं, स्कूल में जाओ तो शिक्षक नहीं है, दूसरे तरफ हमारे कॉन्ट्रैक्ट पे जो शिक्षक और स्वास्थ्य के कर्मचारी हैं उनको मान सम्मान नहीं दिया जा रहा। ये सरकार पूरी तरह से बीजेपी की गूंगी और बहरी हो चुकी है, ना लोगों की सुनी जा रही है, किसान प्रताड़ित है, किसान आत्महत्या कर रहा है, नौजवान बेरोजगार है, लेकिन ये सरकार पूरी तरह से मस्त है। तो इसको अपनी मस्तपन से हमें जगाना होगा, इनकी आंखों में जो पट्टी लगी है उस पट्टी को हमें उतारना होगा, और वो प्रजातंत्र में अपने मत के अधिकार का उपयोग करके ही हम इनको सबक सिखा पाएंगे। परवेश सुमन जी ने कहा है डॉक्टर्स पार्ट टाइम नहीं आते सरकारी अस्पताल में, आपकी इस पर क्या रुख है? डॉक्टर्स टाइम पर नहीं आते, इसके पीछे कई कारण हो सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूं कि अगर सिस्टम को सुदृढ़ करना होगा तो अनुशासन का एक वातावरण अगर हम तैनात करेंगे तो मैं मानता हूं कि सिस्टम पूरी तरह से लाइन पे भी आ सकता है। लेकिन वो अनुशासन लागू करने के लिए एक क्षमतावान, आधारशिला रखने वाला एक व्यक्ति भी होना चाहिए, और उसी के साथ एक संवेदनशील व्यक्ति भी होना चाहिए। उनकी हम कठिनाई सुन पाए, समझ पाए, उनका निराकरण करें, और फिर उनसे जवाबदेही हम लोग मांगे। यही एक सोच विचारधारा, मैंने जब मैं दूरसंचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री था, हमने हमारे ग्रामीण डाक सेवकों के साथ किया था, जहां ग्रामीण डाक सेवकों से हम लोग ये आशा रखते थे कि एक एक डाक सेवक अपनी पोस्ट ऑफिस में पूरी तरह से काम करे, लेकिन कोई उनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं था। तो ग्रामीण अंचल में जाकर मैंने उज्जैन और मालवा संभाग में, जबलपुर संभाग में बड़ी बड़ी लोगों के साथ बैठक की, हमारी ग्रामीण डाक सेवकों के साथ करीब 10-15 हजार लोगों के साथ, उनके साथ पूरा दिन बिताया, उनकी कठिनाइयों को मैंने समझा, और जब उनकी कठिनाइयों का हमने समाधान किया तब वो जवाबदेही भी उन पे एहसास हुआ कि हमें भी अब अपनी जिम्मेदारी निभानी होगी। और तो ये एक रिश्ता बनता है, और उसी रिश्ते के आधार पर हम लोग अच्छा कार्य कर पाते हैं, केवल तब जब सरकार और सेवक दोनों साथ मिलकर हाथ में हाथ आगे बढ़कर विश्वास का रिश्ता तैनात करके आगे सेवा भाव के साथ आगे चले। हरिकृष्ण लोहरवाज जी ने कहा है बलात्कारों के मामले में पहले नंबर पर मध्य प्रदेश कैसे, 12 साल का विकास, इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? मैं मानता हूं कि इससे बड़ी शर्म की बात नहीं हो सकती। अगर किसी भी राज्य में हम अपने महिलाओं को, जो 50% आबादी है इस देश की, जिस देश में महिला प्रधानमंत्री बनी है, जिस प्रदेश में महिला राष्ट्रपति बनी है, जिस प्रदेश में महिला संसद की अध्यक्षा 2 बार बनी है, कांग्रेस के जमाने में और बीजेपी के जमाने में भी, जिस देश में विपक्ष की नेत्री महिला बनी है, जिस देश में आज रक्षा मंत्री महिला बन चुकी है, और आज अगर हम किसी भी प्रदेश में या देश के किसी भी कोने में महिलाओं को सुरक्षा का वातावरण हम लोग उत्पन्न नहीं कर पाएंगे, तो मैं मानता हूं कि उस सरकार को सरकार में रहने का औचित्य नहीं। जो भोपाल का गैंगरेप का हमने कहानी सुनी, अंदर से हमें हिलाकर रख दिया है। उस बेकसूर महिला को जिस तरीके से सामूहिक बलात्कार हुआ,
और जो उसके बाद हुआ वो इतनी ही घनौनी कहानी कि वो पुलिस स्टेशन में गई और पुलिस स्टेशन में पुलिस कर्मी उस पर हंस के उसका मजाक उड़ाता है। वो अस्पताल जाती है और अस्पताल में डॉक्टर कहते हैं कि ये सामूहिक बलात्कार नहीं है लेकिन सामूहिक समझौता का रिश्ता है। अगर ये महिलाओं के ऊपर कलंक नहीं तो क्या है, मैं पूछना चाहता हूं, और इसका बदला इस सरकार से हमें जरूर लेना होगा। खंडेलवाल जी ने कहा है, यश खंडेलवाल ने, डू यू थिंक दैट एग्जिस्टिंग गवर्नमेंट जस्ट रूल द माइंड्स ऑफ पीपल बीइंग द डिक्टेटर रूलिंग बाय फियर एज द जनरल व्यू इन पब्लिक बाय प्रेजेंट। यश, ऑलवेज रिमेंबर Abraham Lincoln once said that you can fool some of the people all the time, but you cannot fool all the people all the time. And I think that realization is dawning very quickly on the people of India. We are very astute as a political people. We are very keen in our sense of what is right and what is wrong. And I think the people of our country have now seen through this mirage that has been thrust upon us by the Narendra Modi government. And I think that very soon the winds of change will blow, the winds of change that youth like you will bring to the fore. And I think it's on the thrust of that winds of change and new leadership that we will bring about a change in our country, a change for the better, a change of conviction, a change of values, a change of a economic growth environment that will power us as a country forward. अमितेश दुबे जी ने कहा है कि भावांतर योजना के से किसानों को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, इसके बारे में मैंने चर्चा कर ली अमितेश। अंकित ने लिखा है, whom do you, अंकित तिवारी, whom do you admire as your role model? My role model, अंकित, is very much my father. And he's not my role model only because he was a very successful political leader, because more so because I do believe that people think that he was a good human being. And I think that is the one of the most important missions that there should be in our lives, that we live our lives such that when we are no longer on this earth, people remember us for being a good person. Rather than necessarily being a big leader or a successful person, because it is only by being a good human being that you're able to touch the lives of a number of people. Ratnakar Krishna ji has written, why is BJP continuously abusing and degrading great people like Sardar Patel, Indira Gandhi, and several others? PM Modi doing it every day while campaigning in Gujarat. Are they not in hatred school to be in power? Your views. When we need to build this country, always remember that in every human being, there are good qualities and maybe not some not so great qualities. But we must see the virtuousness in every human being. We must see the good qualities in every human being. And we must try and follow the good morals and ideals that is laid down by every human being. If we decide to bring down, castigate, insult people who have been there before us, we are then not only committing a travesty towards the generations before us, but we are setting the negative path of hatred in motion for the generations that will come after us. And I think that people like yourselves, people like us, and people in general in this country, see through the politics of hatred. This country has always been a country that has been peace-loving, a country that has believed in spreading love, in spreading an aman chain ka vatavaran, in spreading a dharm nirpekshta ka vatavaran. Jaise Jain samaj mein kaha jata hai, jiyo aur jine do. I may disagree with you, but we may agree to disagree. Not that it is your way or the highway. There must always be place for dissent. There must always be place for disagreement. There must be always place for debate. There must always be place for discussion. Because it is through discussion, debate, disagreement, and dissent that we find the true path. And that is what the forefathers of our nation
have laid in a path before us, a path that we, both of us, all of us, must choose to follow. Rahul Jharkaria writes that Mera Grah Nagar Gwalior hai, my hometown is Gwalior, I live in Noida. Whenever I go back, I find Gwalior lagging behind. Infrastructure is poor, roads are poor. In terms of pollution, it's the world's third polluted city. No bus from Gwalior to Delhi. Why? It's the same question that I ask myself, Rahul. In the last 15 years of the BJP government, we have seen no development in any of the big cities in Madhya Pradesh. There has been no industrialization. There has been no development. Threat to life, threat to peace, threat to security has increased manifold. People feel extremely insecure. And I think that's the environment that we need to change in our state. And the only way we will be able to change that is if we do two things. We bring in people that are positive minded. We bring in people that want to bring about change. And we bring in people that will ensure that your dreams become a reality. Because it is when youth like you dream big, and it is when people in leadership positions are able to execute, that then a dream transcends and becomes a reality. तो हमें सपनों का सौदागर की जरूरत नहीं है, हमें मध्य प्रदेश में सपनों का निर्माणकर्ता की जरूरत है. और मध्य प्रदेश में असीम संभावना है, मध्य प्रदेश में बहुत सारे क्षमताएं हैं, लेकिन आज मध्य प्रदेश पिछड़ रहा है. मध्य प्रदेश स्वास्थ्य के मुद्दों पर पिछड़ रहा है, शिक्षा के मुद्दों पर पिछड़ रहा है. मध्य प्रदेश में इतने इन्वेस्टर्स मीट हुई हैं, लेकिन कोई निवेश नहीं आया, कोई रोजगार के अवसर उत्पन्न नहीं हो पाए. मध्य प्रदेश को आपको और हमें मिलकर बदलना होगा. और जब आप और हम और आम जनता साथ होगी, तब इन कुंभकर्णों की नींद को हम उड़ाने में सफल होंगे. Apoorva Vikram Avasthi says, good evening, sir. Please give us instructions how to make Youth Congress more effective and more powerful. Not only Apoorva Youth Congress, but youth. You have to come out in huge numbers. You have to, Mahatma Gandhi once said, you have to be the change that you want to see in the world. And that is what I count myself still as a youth, even though maybe I am on the cusp of that. But I won't tell you my age. But I think we need to be that change we want to see. We must become that positive factor. We must be thinking right, doing right, doing what we believe is correct, living the life that we believe is a life that is led by morals, values, and principles. And that's the way that we will be able to bring change in the world. चित्रकूट से इंदर सिंह जी कहते हैं, उपचुनाव में बुरी तरह हारने के बाद मुख्यमंत्री जी मुंगावली उपचुनाव में जा पाएंगे? ये मुख्यमंत्री जी की इच्छा है, पर मैं मानता हूं कि किसी भी क्षेत्र में उस क्षेत्र के साथ जुड़ाव, उस क्षेत्र के साथ लगाव, एक उत्तम प्रत्याशी और उस क्षेत्र की विकास और प्रगति में निरंतर एक योगदान, एक नई सोच विचारधारा जो भी ला पाएगा, उसे जनता जरूर आशीर्वाद देगी. और उस लड़ाई में मैं, प्रजातंत्र की लड़ाई में मैं जरूर जूझूंगा. और मुझे विश्वास है कि जनता का आशीर्वाद सत्य के साथ रहेगा. महात्मा गांधी ने एक बार कहा था कि सत्य परेशान हो सकता है, लेकिन सत्य पराजित नहीं हो सकता. उसी संभावना के साथ मैं कार्य कर रहा हूं, और मुझे आशा है कि जनता का आशीर्वाद जरूर रहेगा. आखिरी प्रश्न असर कादरी जी के, व्हाट सॉर्ट ऑफ स्ट्रेटजी शुड कांग्रेस अडॉप्ट इन मध्य प्रदेश टू रेप्लिकेट सक्सेस ऑफ गुजरात टिल नाउ? मध्य प्रदेश में मैं मानता हूं कि दो तीन चीज अनिवार्य है. एक तो अगर आप कांग्रेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो संगठनात्मक तरीके से कांग्रेस को हमें मजबूत करना होगा, हमें नए चेहरे देने होंगे. मैं मानता हूं कि 230 विधानसभा हैं, कम से कम 25-30% विधानसभा में नए चेहरे हमें देने होंगे. उसी के साथ संगठन को हमें मजबूत करना होगा, स्थानीय लोगों को हमें मजबूती प्रदान करनी होगी, और जनता के बीच में जाना पड़ेगा.
एक सोच, नई सोच विचारधारा के आधार पर, जिसके तहत हर समाज और क्षेत्र के लोगों के लिए कुछ न कुछ उस मांग पत्र में जरूर रहे, महिलाओं के लिए, नौजवानों के लिए, हमारे क्षेत्र के आदिवासी समाज के लिए, दलित समाज के लिए, हर संभाग के हर क्षेत्र के लिए। और मैं मानता हूं कि उसी सोच विचारधारा के साथ, एकता की भावना के साथ, सकारात्मक सोच, केवल कटाक्ष करना और केवल किसी को की कमियों के बारे में, विफलताओं के बारे में चर्चा न करना, लेकिन ये चर्चा करना कि अगर हमें मौका दिया जाए तो हम ये एजेंडा के साथ आपके समक्ष आएंगे और 5 साल के अंदर इस एजेंडा को पूर्ण तहत पूरा करके आपके बीच में दोबारा आशीर्वाद के लिए आएंगे। थैंक यू वेरी मच, इट्स बीन अ प्लेजर इंटरेक्टिंग विद ऑल ऑफ यू एंड आई लुक फॉरवर्ड टू मेनी सच इंटरेक्शंस इन द फ्यूचर। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।